अलैकुम, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, लेट्स लेट्स स्टार्ट द सेकेंड सेशन। अच्छा जी, द बिफोर दिस सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस, हमने डिस्कस किया व्हाट इज दिस वर्ड फाइनेंस मींस, और फाइनेंस में कौन कौन सी तीन मेन एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और व्हाट इज दिस रिस्क। व्हाइल परफॉर्मिंग दीज थ्री एक्टिविटीज वी नीड टू मैनेज द रिस्क एज वेल। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा जी, अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वी आर स्टडिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो हमने फाइनेंस पढ़ लिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू डिस्कस बिजनेस। तो लेट मी डिस्कस दिस वर्ड बिजनेस। अच्छा, तो अब व्हाट इज दिस वर्ड बिजनेस मींस, बिजनेस का क्या मतलब है? तो बिजनेस इज व्हाट, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, व्हेन आई से बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जहां पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, आई होप आपको इकोनॉमिक्स आती होगी इतनी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को यूज करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो बिजनेस क्या, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज को यूज करके हम क्या करते हैं, इनको हम यूज करके व्हाट वी डू, वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा सॉरी, थैंक यू, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैंने यहां पे लिखा है बिजनेस, बिजनेस क्या, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे हम फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उससे हम क्या करते हैं, उससे हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। अच्छा, गुड्स क्या है, तो गुड्स मीन्स टेंजिबल है और सर्विसेज मीन्स इनटेंजिबल है, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। अच्छा, हम ये गुड्स एंड सर्विसेज क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपनी जो नीड्स हैं, डिमांड्स हैं या फिर वॉन्ट्स हैं, उनको फुलफिल कर सकें। ठीक है, अभी आपने बिजनेस के कोर्स में पढ़ा होगा डिफरेंस, या मार्केटिंग के कोर्स में, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नीड, डिमांड्स एंड वॉन्ट्स, तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, ताकि हम अपनी नीड्स, डिमांड्स या वॉन्ट्स को फुलफिल कर सकें। अच्छा, अभी हम ये फुलफिल कैसे करते हैं, बाय एक्सचेंजिंग विथ अदर गुड्स और सर्विसेज, जिसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम, चीज के बदले चीज। या फिर दूसरा तरीका क्या है, वो है एक्सचेंज अगेंस्ट मनी। ठीक है, पैसे के बदले। तो आज का हमारा दौर का सिस्टम इज दिस, जब हम पैसों के बदले चीज लेते हैं। ठीक है, आज से पहले दौर में सिस्टम ये होता था कि हम बार्टर सिस्टम करते थे, कि चीज के बदले चीज ले लेते थे। तो बार्टर सिस्टम के आपको ड्रॉबैक्स पता होंगे, कि ऐसा बायर या सेलर ढूंढना मुश्किल होता था जिसकी नीड्स एंड डिमांड्स मैच करें, इसकी मॉनेटरी वैल्यू आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था, ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे इसके साथ। अच्छा जी, तो इसका मतलब है बिजनेस क्या, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हम अपनी नीड्स, डिमांड्स एंड वॉन्ट्स को फुलफिल कर सकें। लेकिन इन सब को करते वक्त हमें एक चीज का ख्याल रखना होता है, वो है इसकी परसीव्ड वैल्यू और वर्थ। व्हाट दिस मींस, दिस मींस फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, इस पेन की या एक मार्कर है, इसकी वैल्यू मेरे लिए
5 लाख रुपए है और आपके लिए इस पेन की वैल्यू इस 50 रुपए, सॉरी, आपके लिए इसकी वैल्यू इज सिर्फ 50 रुपीज़, तो हम इस ट्रांजेक्शन को कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि फॉर मी दिस इज वर्थ 500,000 रुपीज़ और आपके लिए 50 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम बार्गेन करेंगे और हम एक किसी प्राइस पाएंगे। लेट्स अज्यूम बार्गेन के बाद वी बोथ हैव एग्रीड ऑन 60 रुपीज़, सो दिस इज द परसीव्ड वैल्यू। आपके लिए भी 60 रुपीज़ इसकी परसीव्ड वैल्यू और मेरे लिए भी 60 रुपीज़ इसकी परसीव्ड वैल्यू है। मीन्स द वैल्यू दैट आई हैव अज्यूम कि इस पे मुझे बेनिफिट हो सकता है, या आपको अगर बायर है तो आपको इसकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं ताकि हम अपनी नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल कर सकें। लेकिन वो कैसे फुलफिल होंगी? जब हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज से एक्सचेंज कर लेते हैं या अगेंस्ट मनी एक्सचेंज कर लेते हैं, अगेंस्ट अ परसीव्ड वैल्यू, जो वैल्यू मेरे जहन में होती है, इसको हम कहते हैं बिजनेस, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रेमिसेस है या ऐसी बाउंड्री है जहां पे हम बिजनेस परफॉर्म करते हैं या बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रेमिसेस और अ बाउंड्री जहां पे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, इसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंस्टीट्यूशन, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसके प्रेमिसेज में क्या परफॉर्म हो रहा है? यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है? तो हमने कहा यहां जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसको हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी। और वो बिजनेस एक्टिविटी कौन सी है? तो हमने कहा वो बिजनेस एक्टिविटी है, यहां पे हम अपनी, सॉरी, वापस मैं इधर आता हूं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो यहां पे हम सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? जहां पे हम बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और आपके केस के या आपके एग्जाम्पल के केस में, ये आपके पास जो बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी है, इसमें हम बिजनेस एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करें? यहाँ पे हम एजुकेशन दे रहे हैं। एन एजुकेशन इज व्हाट? इट्स अ सर्विस बिजनेस, ठीक है। तो ये आपका सर्विस का बिजनेस है, इसको हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा जी, तो अब दिस इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक पार्टी होती है जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर, ठीक है। हर बिजनेस में स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस से कुछ ना कुछ लेना देना हो, ठीक है। तो कोई भी उनका कोई इंटरेस्ट हो बिजनेस में, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। और हर बिजनेस में दो किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं। वन इज नोन एज इंटरनल स्टेक होल्डर एंड द अदर वन इज नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, ठीक है। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो विद इन द प्रेमिसेज होते हैं। ये अगर प्रेमिसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अंदर जितने स्टेक होल्डर्स होंगे वो सारे के सारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। काइंडली क्लासेस में टाइम पे आइए जी, बार बार आप लोग इन आउट होते हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्लास में लेने में। क्लास का टाइम इज 9 एंड इट्स 10:20। अच्छा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? तो ये आपके पास अगर प्रेमिसेस हैं तो एक्सटर्नल होल्डर्स जो हैं वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ कहीं पर हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर दो स्टेक होल्डर्स दैट आर विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर में सबसे पहला आपके पास स्टेक होल्डर होता है ओनर्स, दूसरा आपके पास है मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज, ठीक है, मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयज, ये आपके पास सारे के सारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं।
इनका लेना देना आपके बिजनेस से विद इन द प्रेमिसेज है, वेयर इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आपके पास जो है वो आपका कस्टमर है, आपका सप्लायर है, ठीक है, आपका क्रेडिटर है जिससे उधार लिया है, आपका डेटर है, आपका बोरोवर है, आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट है। इस तरह के बहुत सारे आपके पास स्टेक होल्डर्स हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है या स्टेक है। वेयर इज इंटरनल स्टेक होल्डर्स का आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है लेकिन दे आर विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि इंटरनल स्टेक होल्डर का ज्यादा स्टेक होता है इन द बिजनेस एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अब हमें समझ आ गया बिजनेस क्या है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं ताकि हम अपनी नीड्स, डिमांड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सकें। अब वो हम फुलफिल कैसे करते हैं, हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं अगेंस्ट मनी और अगेंस्ट अदर गुड्स एंड सर्विसेज, और हम ये काम करते वक्त एक वैल्यू अपने जहन में या एक वर्थ इसकी माइंड में रखते हैं जिसकी बेसिस पे हम जो है वो एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा वॉट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने कहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रेमिस या ऐसी बाउंड्री जहाँ पे हम बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और हर बिजनेस में कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस में कुछ ना कुछ लेना देना या स्टेक होता है, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। और स्टेक होल्डर्स में देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन जो विद इन द प्रेमिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की चार दीवार में। वेर इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की चार दीवार से बाहर हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास बिजनेस। अच्छा, अब अगर मैं बिजनेस की क्लासिफिकेशन करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो मैं दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। एक है इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, और दूसरा है फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये सब आप बिजनेस स्टडीज में पढ़कर आए हैं अज्यूम, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आई विल नॉट बी हैविंग अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस। जब मैं नेचर वाइज बिजनेस को क्लासिफाई करता हूँ तो मेरे पास ब्रॉडली तीन कैटेगरीज हैं। कोई बता सकता है इन तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और फॉर्म में भी तीन कैटेगरीज हैं। इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प मी आउट इन दिस? यस सर, मैं आए यस प्लीज सर। फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक सोल प्रोप्राइटर, एक पार्टनरशिप और एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, गुड। दूसरा इज पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है, कॉरपोरेशन। यस, व्हाट अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस फजल? सर मैं आई। यस प्लीज, यस तैयबा। सर ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड। नेचर ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ट्रेडिंग या ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज बिजनेस, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बिजनेस क्या है? यहाँ पे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में हम जो है वो गुड्स की बात करते हैं, मींस टेंजिबल गुड्स की, और यहाँ पे जो हम सर्विस बिजनेस है इसमें हम इनटेंजिबल गुड्स की बात करते हैं। सर्विस मींस एन इनटेंजिबल गुड, ठीक है। तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप प्रोडक्ट में वेरिएशन लाते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। जब आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने चाइना से मार्कर्स बनवाए, उसमें अपना नाम प्रिंट किया, तो दिस इज नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया, उसमें उसकी वैल्यू एनहेंस की है। वेरस आप मार्कर जो है वो उर्दू बाजार से खरीदते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में लाकर बेचते हैं, तो दिस इज नोन एज अ ट्रेडिंग बिजनेस, क्योंकि आपने जिस फॉर्म में लिया था आपने उसी फॉर्म में उसको सेल किया। तो ट्रेडिंग बिजनेस मीन्स वेन गुड्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस या वेन गुड्स चेंज इट्स प्लेसेस, इट्स नोन एज अ ट्रेडिंग बिजनेस। वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज अ बिजनेस वेयर वी एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट
या हम उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। एंड सर्विस बिजनेस इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्टीज, नॉलेज या स्किल सेल आउट करते हैं। इट्स एन इनटेंजिबल थिंग जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आई एम ट्राइंग टू टीच कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो वॉट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग माई सर्विसेज। तो सर्विस का मतलब है जब आप अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल्स बेचते हैं, उसको हम सर्विस बिजनेस कहते हैं। जैसे डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स। वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग में आप वैल्यू एडिशन करते हैं इन द बिजनेस या इन द प्रोडक्ट। और ट्रेडिंग में जब गुड्स जो है वो अपनी प्लेसेस चेंज करती है, व्हेन द गुड्स चेंज देयर प्लेसेस इज नोन एज ट्रेडिंग बिजनेस। उर्दू बाजार से चीज चली और बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की स्टेशनरी की शॉप पे वो मिल रही है, तो दैट इज नोन एज अ ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, लेकिन आज का जो करंट बिजनेस है या आज के दौर में जो बिजनेस है, वो एक बिजनेस बहुत सारे काम एक साथ ही कर रहा होता है। आपका फोटोकॉपियर शॉप वाला या आपका स्टेशनरी शॉप वाला हो सकता है ट्रेडिंग भी कर रहा हो कि वो चीज़ें उर्दू बाजार से खरीद के लाता है, यहाँ पे आपको बेचता है। आप उससे कहें कि मुझे जो है वो एक दोबारा बुक जो है वो प्रिंट करके या फोटो कॉपी करके दे दो, तो दैट इज नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उसने आपके लिए एक बुक मैन्युफैक्चर की है। और सर्विस बिजनेस फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको कंप्यूटर की फैसिलिटी दी हुई है जहाँ पे आप बैठकर अपना डॉक्यूमेंट टाइप भी कर सकते हैं और फिर उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तो दैट इज नोन एज अ सर्विस बिजनेस। तो एक आज का बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ परफॉर्म कर रहा होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस में दिस वर्ड सोल मीन्स वन एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स वन ओनर बिजनेस। याद रखिएगा, इधर से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये ओनर है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स वन ओनरशिप बिजनेस। वन ओनरशिप बिजनेस का मतलब है चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितने भी लोग चला रहे हो, मालिक एक आदमी हो। 100 लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं या बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन मालिक अगर एक आदमी है तो इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, लेकिन एक आदमी बिजनेस चला रहा है और 4 लोग उस बिजनेस के मालिक है, तो दैट इज नॉट अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल ओनरशिप बिजनेस, सिंगल ओनरशिप बिजनेस। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था? तो ये सब चीजें आपको पता है, हम सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि सारा का सारा प्रॉफिट आपको मिलता है और इसका सब और 100% मैनेजमेंट आपके पास होती है, क्योंकि आप मालिक हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था? 100% लॉस भी आप ही का होता है। और इसका उससे भी बड़ा नुकसान क्या था? वो था अनलिमिटेड लायबिलिटी। एनीबडी इन दिस क्लास नोज व्हाट दिस अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस? यस सर। जी प्लीज। सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर आप पूरे कंप्लीट डेट में चले जाओ तो आपको उस अमाउंट को पे करने के लिए अपने घर से भी मतलब एक रकम लानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ऐसी है शर्जील, थैंक यू वेरी मच। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने बैंक से या किसी से उधार लिया है और आपका बिजनेस अगर उस उधार को पे ऑफ करने में अनसक्सेसफुल है, तो आपको अपने घर के पर्सनल एसेट्स भी सेल कर मीन्स अपने घर की चीजें बेच कर भी आपको जो है वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, जब आपके पर्सनल एसेट्स भी ऑन स्टेक हो। और ये सबसे बड़ा खतरा है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे वो एसेट बनाता है, या वो एसेट पहले बनाता है और उसमें से पैसे बचाकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है। तो अगर बिजनेस डूब जाए और आपका पर्सनल एसेट भी सारे डूब जाए, कि आपका घर भी बिक गया, आपकी गाड़ी भी बिक गई, आपकी बीवी बच्चों की चीजें भी बिक गई, ज्वेलरी भी बिक गई, आपके वालदैन की ज्वेलरियां बिक गई, आपकी वालदा की ज्वेलरी बिक गई, आपके अब्बा की गाड़ी बिक गई, तो ये बड़ा खतरनाक काम है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में फायदा भी बड़ा है, लेकिन इसमें ये जो सबसे बड़ा खतरा है ना अनलिमिटेड लायबिलिटी का, किसी दिन भी आपका बिजनेस भी डूब जाएगा और आप खुद भी पर्सनली डूब जाएंगे, तो ये बहुत खतरनाक बात है। अच्छा, अब मैं आता हूँ पार्टनरशिप की तरफ। तो पार्टनरशिप के लिए पाकिस्तान में जो एक्ट चलता है या जो लॉ चलता है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी अगर आप क्लास में होते तो मैं इस पर आपको एक फनी स्टोरी सुनाता, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, दे हैव गिवन मी जस्ट 40 मिनट्स का स्लॉट, तो विच इज वेरी लेस टाइम फॉर मी टू टीच, तो इस वजह से हम उस फनी स्टोरी में नहीं जा रहे हैं, वरना मैं आपको जरूर सुनाता वो फनी स्टोरी। अच्छा, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारे मुल्क में एप्लीकेबल है। ये क्या है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट सेज के 2 से लेकर 20 लोग अगर मिलकर काम करना चाहें तो वो पार्टनर्स बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सारे बेनिफिट्स वही हैं, प्रॉफिट में भी ज्यादा लोग हिस्सेदार होते हैं, मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, लॉस में भी हिस्सेदार मिल जाते हैं, लेकिन इसका भी सबसे बड़ा नुकसान ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कि यहाँ पे भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कि अगर कारोबार डूबेगा तो मेरा पैसा भी डूबेगा और मेरा घर भी डूबेगा साथ साथ, तो ये भी एक रिस्की बिजनेस है।
अच्छा, लेकिन जो बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो है ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस या कॉर्पोरेशन। इसके लिए जो हमारे यहाँ लॉ एप्लीकेबल था वो था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और उसके बाद अब हमारे पास है कंपनीज एक्ट 2017 आई गेस, या 19 है, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर दैट एक्ट। ठीक है, तो कंपनीज ऑर्डिनेंस या कंपनीज एक्ट हमें कहता है कि जो कॉरपोरेशन है और जो ओनर है, मींस जो बिजनेस है और जो ओनर्स हैं इसके, ये दोनों के दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हेन वी से लीगल एंटिटी, तो लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि इन सब के अलग अलग अपने हक हैं, हुकूक हैं, फराइज हैं, सब कुछ, इनकी लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अलग हैं। इसका मतलब है बिजनेस की लाइबिलिटीज, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस की एक्टिविटीज सेपरेट हैं, और ओनर्स की लाइफ, ओनर की एक्टिविटी, ओनर का बिजनेस सब कुछ, या ओनर की लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, जैसे आप और हम पैदा होते हैं तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, इसी तरीके से जब बिजनेस पैदा होता है तो उसका भी एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। जैसे हम और आप मर जाते हैं तो हमारा एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है, इसी तरीके से बिजनेस जब बंद होता है तो उसका भी एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम बिजनेस को एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, एक इंसान, लेकिन आर्टिफिशियल इंसान, और ओनर्स आर कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन बींग या नेचुरल ह्यूमन बींग, मीन इंसान। तो ये भी इंसान है और ये भी इंसान है, लेकिन ये नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं, और यहाँ पे जो है हम इनको आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब हम बिजनेस को और ओनर्स को अलग अलग ट्रीट करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा हमें होता है वो ये होता है कि ये जो हमारे गर्दन पे ये वाली जो तलवार लटक रही थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, ये खत्म हो जाती है, क्योंकि अब बिजनेस अपने कॉल और फेल का खुद जिम्मेदार है और ओनर अपने कॉल और फेल का खुद जिम्मेदार है। ओनर सिर्फ उस चीज का रिस्पॉन्सिबल है जितने पैसे उसने लगाए या जितनी इन्वेस्टमेंट उसकी, उतना ही पैसा उसका डूबेगा, उसको अपने घर से कोई पर्सनल एसेट्स ला के देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत डिटेल में आपने बिजनेस में पूरा कोर्स पढ़ा होगा, बिजनेस का पूरा एक कोर्स है जिसमें आपके टीचर ने आपको एक एक चीज सिंगल सिंगल करके पढ़ाई होगी, क्योंकि ये मेरे कोर्स का डोमेन नहीं है तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा आपको। यहाँ पे मुझे जो आपको बताने का मकसद है वो ये कि हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो हमारा जो मेन टारगेट है जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करेंगे तो हम इस कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, हम इसके फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पास दो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन होती हैं, कॉर्पोरेशन को हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज भी कहते हैं। आपके पास टू टाइप्स ऑफ कंपनीज या कॉर्पोरेशन होती है, एक होती है पब्लिक लिमिटेड और दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड सादे लफ्जों में जहां पे पब्लिक का पैसा लगा होता है, और प्राइवेट लिमिटेड में जहां पे कुछ लोग जो आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते उनका पैसा लगा होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एंट्री एग्जिट इज इजी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एंट्री एग्जिट इज नॉट इजी। ठीक है, बाकी वो डिटेल शेयर्स होते हैं क्या होता है वो सब कुछ आपने अपने कोर्स में पढ़ा होगा एज्यूम। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो हमने फाइनेंस पढ़ लिया, फाइनेंस क्या है, फाइनेंस मींस जनरेशन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, जो हमने यहाँ पे देखा था, विच मींस इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, लेकिन सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हो कि कंपनी जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है सर, उसमें 14 डायरेक्टर होते, प्रोमोटर्स होते, प्रॉपर एक स्टाफ उसका बना होता है। सर अब अगर प्राइवेट में कंपनी को स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए लाजमी है कि मुझे प्रॉपर एक उसके लिए 14 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, प्रॉपर स्टाफ रखने पड़ेंगे, या मैं इंडिविजुअली एक छोटा सा क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको रजिस्टर करा के कंपनी खोल सकते। बेटा प्राइवेट में यही फर्क है कि प्राइवेट में आप प्राइवेट हैं, प्राइवेट का मतलब है कि आप अपने हिसाब से कारोबार करते हैं, आपको कुछ कंडीशंस डिसाइडेड हैं उसको उसको फॉलो करना जरूरी है, लेकिन आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये जरूरी नहीं कि आपके पास 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, सर मेरी एक कंपनी है उसका नाम है फसाइम। एक मिनट, मैं जरा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लूं। मेरी एक कंपनी है, इसका नाम है फसाइम। ठीक है, इसके साथ लिखा हुआ है SMC प्राइवेट लिमिटेड। दिस SMC स्टैंड फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। मुशरफ साहब जब आए थे तो मुशरफ साहब जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस में अपनी एक अमेंडमेंट लेकर आए थे, 2001 की बात है या 2003 की बात है शायद,
उसके बाद अब एक सिंगल आदमी भी पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है, पब्लिक लिमिटेड नहीं बन सकती लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती। तो मैं अकेला अपनी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, 100% मेरे पास ओनरशिप है, सारी डिसीजन मेकिंग मेरे पास है, जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, जैसे ये वाला बिजनेस था, सही सर। ठीक है। लेकिन अब मैं ये वाला बिजनेस, जो सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस है ये वाला, लेकिन मुझे बेनिफिट क्या है, मैंने कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड कराया हुआ। अब कॉर्पोरेशन में रजिस्टर कराने से फायदा क्या हुआ, ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की तलवार थी ये मेरे गले से उतर गई है। लेकिन मुझे नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि मुझे अब हर चीज को लीगलाइज टर्म में लिखना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी मर्जी, आप जब चाहे कारोबार करें ना करें, जब चाहे खोल लें जब चाहे बंद कर दें, आप डॉक्यूमेंट करें ना करें कोई मसला नहीं है। जैसे ठेले वाला इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पान का केबिन वाला इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको कोई बिजनेस अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कॉरपोरेशन हो जाते हैं तो आप एक लीगल एंटिटी है, अब आपको हर चीज डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, कौन सी चीज कितने की खरीदी, किसको क्या सैलरी दी, कौन सा एक्सपेंस कब किया, वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना है। और फिर जब साल का आखिर आएगा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा कराना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर में इसकी कोई कैद नहीं है, सब्जी वाला दूध वाला कोई रिटर्न जमा नहीं कराता, ठीक है। और कॉरपोरेशन में एक दूसरा नुकसान होता है डबल टैक्सेशन का, आपको याद होगा डबल टैक्सेशन क्या होता है। डबल टैक्सेशन का मतलब, जी 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 जरिए आप, व्हाट इज डबल टैक्सेशन सर? सर नो सर, नॉट आइडिया, प्रॉपर आइडिया नहीं डबल टैक्सेशन क्या होता है सर। वन मोर क्वेश्चन सर, सर तो इसके लिए आपको ऑडिटिंग भी करानी पड़ेगी फिर हर साल। अच्छा मैं पहले डबल टैक्सेशन बता देता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखिए, डबल टैक्सेशन का मतलब है क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी और ओनर एक अलग एंटिटी, तो बिजनेस जो कमाएगा उसका अपना प्रॉफिट होगा, तो बिजनेस अपने पैसे पे या अपने प्रॉफिट पे टैक्स देगा। ये हो ओके गया, सर। अच्छा जब समझ ये हो गया। गया पहली दफा टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाई, ये बिजनेस किसका है, ओनर का है, तो इस प्रॉफिट को जाना कहाँ है, ओनर की जेब में। अब जब ओनर की जेब में जाएगा, क्योंकि ओनर एक अलग लीगल एंटिटी है, तो ओनर के लिए इनकम हो गई, तो ओनर अपनी इनकम पे भी टैक्स पे करेगा, तो दोबारा टैक्स पे होगा। तो इसका मतलब है दो डबल टैक्स पे होगा, इसको हम डबल टैक्सेशन कहते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा मसला नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस एक ही बंदा होता है या एक ही एंटिटी होता है, तो एक दफा टैक्स पे करते हैं तो दैट इज गुड इनफ। और सोल प्रोप्राइटर में वैसे भी लोग टैक्स नहीं पे करते। अच्छा, प्राइवेट में आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि आपको, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है ना। प्राइवेट में तो मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूं, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की जरूरत है और मुझे रिटर्न जमा कराने की जरूरत है, मुझे ऑडिट की जरूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर में आपको एक्सटर्नल ऑडिटर्स चाहिए होते हैं। इज दिस क्लियर? ओके सर, गुड, क्लियर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनी एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? अच्छा, इसहाक ने लिखा डबल टैक्सेशन मींस इनकम टैक्स एंड इंडिविजुअल टैक्स। बेटा इंडिविजुअल टैक्स ही इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स, डबल टैक्सेशन का मतलब फर्स्ट कॉर्पोरेट विल पे द टैक्स मींस द कॉर्पोरेट टैक्स एंड देन द इनकम टैक्स मींस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड इंडिविजुअल इनकम टैक्स, ये वर्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने ठीक ही लिखा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह की थी तो। अच्छा, नाउ लेट्स बैक गो बैक टू दिस। तो अब हमें बिजनेस समझ आ गया, हमें ये समझ आ गया कि फाइनेंस क्या है, और हमें ये समझ आ गया बिजनेस क्या है, और बिजनेस में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ना, मीन्स हमें पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाइनेंसिस को डिस्कस करना है कि पैसे कैसे जनरेट होंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे। एज अ फाइनेंस मैनेजर ये हमारी सारी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस स्लाइड अगेन। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, इसके बाद मैंने आपको बिजनेस समझाने की कोशिश की, आई होप आपको वो समझ आ गया हो। अब उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे अब वही चीज लिखी जो मैंने आपको पहले समझाई थी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, ऑप्टिमल फर्म साइज कितना होना चाहिए, कौन से एसेट होने, व्हाट एसेट इफ शुड बी रिड्यूस और एलिमिनेटेड, कौन से एसेट रखने, कौन से एसेट एक्वायर करने, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कौन सा एसेट एक्वायर करना है, कौन सा एसेट रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है। तो दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मींस, हमने पढ़ा था व्हाट मेक्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स वी नीड टू एक्वायर। इसके बाद आ जाए, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सी व्हाट इट सेज कि आपके पास लिखा व्हाट टाइप ऑफ बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। तो हमने पढ़ा था देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, डेट और इक्विटी। ये एज अ फाइनेंस मैनेजर मुझे डिसाइड करना है कि मेरे पास डेट होना चाहिए या इक्विटी होना चाहिए। व्हाट मिक्स इज बेस्ट, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो ये भी हमने डिसाइड करना होता है। याद रखिएगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप कहें कि मैं इतनी परसेंटेज ले लूंगा तो मेरे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जब आप डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन योर ओन सर्कमस्टांसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती है, नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होता है, तो व्हाट मिक्स ऑफ इक्विटी यू नीड ये आप खुद डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार 30% डेट ले लेता हूँ, 70% इक्विटी ले लेता हूँ, लेकिन मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके एक नेचर में या आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आपको 50% डेट चाहिए और 50% इक्विटी चाहिए। तो ये आपका बिजनेस नेचर और आपकी सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेगी कि इक्विटी मिक्स क्या होना चाहिए। इस बेस्ट इक्विटी मिक्स को हम कहते हैं, लेट मी
ये जो इक्विटी मिक्स है इसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है व्हाट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब है वो इस चीज को पूछ रहा है कि डेट कितना और इक्विटी कितना। मीन्स दिस साइड मीन्स द सोर्सेज साइड इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर है? तो मैंने कहा भाई 30% मेरे पास डेट है और 70% मेरे पास इक्विटी है। जैसे इस एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल इसहाक ने कहा नहीं सर मेरे पास तो 50% डेट है और 50% इक्विटी है, तो दिस इज नोन एज माई कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वॉट इज द बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी और एग्जाम्पल डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये हम अभी जब आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू कि डिविडेंड क्या होता है। वैसे आप लोग आई होप कि पता होगा। हाउ विल द फंड्स फिजिकली बी एक्वायर्ड, पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज वॉट, कौन कौन से एसेट्स रखने, कौन कौन से निकाल देने, कौन से नहीं लेने, कौन सा ऑप्टिमल साइज ऑफ फर्म होना चाहिए, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसे कहाँ से आएंगे, और उसके बाद है आपके पास लास्ट इज मैनेजमेंट एक्टिविटी, हाउ डू वी मैनेज एग्जिस्टिंग एसेट्स एफिशिएंटली। ये जो मैंने एसेट्स एक्वायर किए ये कैसे मैनेज होंगे, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फाइनेंस मैनेजर हैज वेरिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर एसेट्स, तो हर एसेट के ऊपर आपकी एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स क्योंकि करंट बेनिफिट देते हैं और फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, तो ये आपका एसेट मैनेजमेंट आपकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये आप तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हैं तो ये लिखा हुआ है द थ्री ब्रॉड इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस मैनेजर। जब आप ये परफॉर्म करते हैं तो उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, मींस फाइनेंस की मैनेजमेंट। तो द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग राइट डिसीजन फॉर्म्स आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फाइनेंस को मैनेज करें। ये आपके पास फाइनेंस की डेफिनेशन और बिजनेस की डेफिनेशन से रिलेट करता है। अब उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो व्हाट इज द गोल ऑफ द फर्म, यहां पे आज की क्लास हम इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। उसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर 3 घंटे की प्रॉपर क्लास होती तो शायद ज्यादा मजा आता। व्हाट इज द गोल ऑफ द फर्म, तो फर्म का एक ही गोल है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, और इसको हम दूसरे लफ्जों में लिखते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स वैल्यू। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ या मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स वैल्यू? सर सर इसका मतलब है सर, जैसे शेयर की वैल्यू बढ़ाना मार्केट में, उसकी वैल्यू इंक्रीज करना, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करना। लेकिन सर एक और क्वेश्चन भी है सर, जैसे कि हमने पिछले टीचर से पढ़ा है सर, वो कहते हैं हमेशा कि आप कोशिश करो कि डेट जो है ना कम लिया करो और इक्विटी का इस्तेमाल ज्यादा किया करो, उससे मार्केट में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, फिर वो पैसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, जरिया मैं किसी टीचर ने जो बात की मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज साउंड अनएथिकल, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि ऐसा नहीं होता बेटा, ये तो आप डिसाइड करते हैं। क्योंकि अभी जब हम आगे जाके पढ़ेंगे ना, मैं इसको आपको एक छोटी सी एग्जांपल से पहले आपकी सवाल का आंसर देता हूं, फिर मैं आपको ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ भी बता देता हूं। देखिए मैं इसका आपको, आई होप कि आपको इतनी बेसिक फाइनेंस या अकाउंटिंग आती होगी। ये आपके पास बैलेंस शीट है, यहाँ पर आपके पास लाइबिलिटी है और यहाँ पर आपके पास ओनर्स इक्विटी है। अच्छा, जब आप ओनर्स इक्विटी लेते हैं तो यहाँ पे आपको लोगों को जो देना पड़ता है वो प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यस सर, वी नो दैट। ठीक है, ये फिक्स पीरियोडिक रिटर्न है। अच्छा, अब जब आप ओनर्स इक्विटी बढ़ाते हैं ना, जब आप ओनर्स इक्विटी बढ़ाते हैं तो आपका अर्निंग पर शेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, अर्निंग पर शेयर गोज डाउन। अब व्हाट इज दिस अर्निंग पर शेयर मींस, आपका शेयर कितने अर्न कर रहा है। तो जब आप इक्विटी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब है जो शेयर्स मार्केट में फ्लोट हुए हैं। ठीक है, सर, यस। तो अगर मेरा नेट प्रॉफिट जो भी अमाउंट का है, अगर मैं ये ओनर्स इक्विटी बढ़ाता हूँ, मीन्स मैं लोगों से नहीं उधार लेता, मैं मालकान से कहता हूँ पैसे लगाओ, तो इसका मतलब है ओनर्स इक्विटी बढ़ रही है ना। यस सर। तो इसका मतलब है ये वाला डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी है ये बढ़ रही है, तो इसका मतलब है आपका ईपीएस नीचे चला जाएगा। ईपीएस का क्या मतलब होता है कि शेयर वैल्यू गिर रही है या एक ओनर, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव सिग्नल भेजेगा मार्केट में। ओके सर, ओके। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं अगर डेट पे आ जाता हूं, मैं डेट पे आता हूं
अच्छा ये जरूरी नहीं कि ऐसे मैं सिर्फ आपको समझाने के उदाहरण पॉजिटिव भी हैं, जरूरी नहीं कि ये नेगेटिव ही मैं सिर्फ आपको बता, मैं सिर्फ आपको आपके सवाल का आंसर दे रहा हूँ, और क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके सवाल का आंसर दे दूँ। अब मैं अगर इंटरेस्ट की तरफ आता हूँ या लाइबिलिटी की तरफ आता हूँ, तो इंटरेस्ट एक फिक्स पीरियोडिक रिटर्न है, इसका मतलब है मैं डेट जितना बढ़ाता जाऊंगा मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ाती जानी पड़ेगी, मीन्स मेरा इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मैं उधार लेता रहूंगा मुझे इंटरेस्ट बढ़ाते रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 लाख रुपए का लोन था, ठीक है, या 2 लाख रुपए का लेस अज्यूम लोन था, मैं इसका 10% दे रहा था लोन पे, तो मैं कितना दे रहा था, मैं दे रहा था 20,000 रुपए। अब ये हो गया 20 लाख रुपए का लोन, तो अब मुझे देना पड़ेगा 2 लाख रुपए किस्त, तो इसका मतलब है मैं जैसे जैसे डेट बढ़ाऊंगा मेरी इंस्टॉलमेंट भी बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है मेरे पास ये जो नेट प्रॉफिट है ये इतना होना चाहिए कि मैं अपने डेट को मीट कर सकूं। इसके लिए हम एक रेशियो कैलकुलेट करते थे जिसको हम कहते थे TIE रेशियो, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो। ना ओके सर, नाउ आई गेट इट, एज यू से दैट के डिपेंड करता है सिचुएशन पे आपकी कंपनी किस तरह की। जी बिल्कुल, अब आपकी अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो मे बी आप कहेंगे यार इंटरेस्ट ले लो, वो लोन ले लो, क्योंकि हम TI तो मेंटेन कर सकते हैं, हम डेट को पे कर सकेंगे। लेकिन आपकी उसके बाद सर आपके पास शेयर पड़ोगे फिर। हाँ, लेकिन अगर आपकी कंपनी वीक है और आपको फंडिंग चाहिए तो हम कहेंगे यार चलो मालकान से ले लो, बेशक EPS नेगेटिव हो जाए, और प्लस डेट ज्यादा प्रेफरेबल होता है ओवर इक्विटी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है वो है ये वाली टर्म, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको टीचर ने पढ़ाई है तो ठीक है, वरना हम इसको पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं टैक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट, यहां पर टैक्स शील्ड। किस जरिया आपको आइडिया व्हाट इज दिस टैक्स शील्ड?